सेकंड काउंसलिंग के सीट अलॉटमेंट हो चुकी है, ये रहा रिजल्ट्स। यूनिवर्सिटी क्या कह रही है कि सीट अलॉटमेंट ऑफ सेकंड सेंट्रलाइज काउंसलिंग ऑफ बीएड एडमिशन हैज़ बिन कंप्लीटेड। इट मींस के बीएड सेकंड काउंसलिंग का एंड हो चुका है और कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाउनलोड देयर अलॉटमेंट लेटर। आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, रिपोर्ट करना है कॉलेज 8 सितंबर से 9 सितंबर के बीच। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते, आपकी फ़ीस जमा नहीं होती, तो यूनिवर्सिटी वो पेंडिंग फीस नॉट एडमिटेड कैंडिडेट ऑनलाइन फिल कर देंगे। वो फिर थर्ड काउंसलिंग में डायरेक्ट एडमिशन जो भी यूनिवर्सिटी डायरेक्शन देगी उसके मुताबिक होगा। तो आपने डाउनलोड करने के लिए वैसे ही जाना है कैंडिडेट लॉगिन में। लॉगिन में अपना ईमेल आईडी आपने ऑलरेडी फिल किया है, ये रहा, है ना। पासवर्ड फिल करना है, कैप्चा फिल करना है, लॉगिन कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। करने के बाद आपका डिटेल आ जाएगी और यहाँ पर प्रिंट अलॉटमेंट लेटर सेकेंड काउंसलिंग, यहाँ क्लिक करोगे आप और आपकी सेकेंड काउंसलिंग में जो लेटर है, अलॉटमेंट लेटर है, वो आ जाएगा। आपने एक बार चेक कर लेना है। यहाँ आप मेन क्या चेक करोगे कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, जैसे काउंसलिंग नंबर सेकंड और इनको कॉलेज अलॉट हुआ है, इनोसेंट हार्ट्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन ग्रीन मॉडल टाउन जनरल है, ये बाकी जो है चॉइस अलॉटेड सेकंड जो चॉइस है वो आपको मिली है, फर्स्ट चॉइस नहीं मिली। मेजर सब्जेक्ट आपका साइंस है, माइनर सब्जेक्ट आपको कॉलेज ने देना है, वो आप ये देख सकते हैं। 3 साल अगर पढ़ा है तो उसको प्रेफर करना चाहिए, उसके लिए गाइडेंस ले सकते हो। और नीचे लिखा हुआ है कि 8 सितंबर 2023 से 9 सितंबर सैटरडे तक आपको रिपोर्ट करनी है, 3 बजे तक का रिपोर्टिंग टाइम है, ये इंपॉर्टेंट है। 9 से 3 बजे तक कॉलेज हर हालत में खुले होंगे, अलॉन्ग विद ऑल एप्लीकेबल ओरिजिनल टेस्टिमोनियल, अपने सारे सर्टिफिकेट जो पिछले वीडियो में बताए गए हैं, है ना, रिजर्वेशन कैटेगरी का और डीएमसी हैं 10th ऑनवर्ड, सभी ओरिजिनल है। रूरल एरिया का अगर है, है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, ये स्लिप लेके जाओगे, फोटो लेके जाओगे अपनी, पासपोर्ट साइज, ये सारा कुछ है, प्रूफ डिपॉजिट एप्लीकेशन, फीस आप हाफ फीस दे सकते हो, इससे ज़्यादा यूनिवर्सिटी नहीं कहती, अगर वो फुल फीस आपकी मर्जी है देनी है तो, अदरवाइज हाफ फीस चल सकती है, उससे भी कम करनी है एप्लीकेशन वहाँ दे के अगर प्रिंसिपल मानते हैं तो दे सकते हो, शिफ्टिंग फीस इफ एप्लीकेबल। यहाँ पर अगर आपने शिफ्टिंग फीस लेकिन वहाँ आप पे कर चुके हो, अब आप दूसरे कॉलेज, अगर शिफ्टिंग हो रही है तो आप दूसरे कॉलेज से रिफंड के लिए एप्लीकेशन दोगे, वहाँ पर एप्लीकेशन दोगे कि मुझे ये सीट मिल चुकी है, इसकी कॉपी साथ में अटैच कर दोगे और लिख दोगे कि मैंने इतने पैसे जमा कराए हैं, कालीन रिफंड कीजिए, वो 1000 रुपया काट के आपको बाकी पैसे चेक वापस कर देंगे। टू कन्फर्म द सीट इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट यू शैल रिक्वायर टू पे सेमेस्टर फीस। You shall also carry 2 sets of attested copy of all documents pertaining to your candidature and deposit these to allotted institute. तो अटेस्टेशन आप कॉपी सभी लेके जानी है, 2 सेट कहा है उन्होंने। इट मींस 1 सेट यूनिवर्सिटी जाएगा, 1 कॉलेज रहेगा, बाकी कॉलेज वाले वेरीफाई करेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू डिपॉजिट अ कॉपी ऑफ फीस रिसिप्ट टू द कंसर्न इंस्टीट्यूट इमीडिएट आफ्टर डिपॉजिटिंग द फीस इन केस ऑफ कैंडिडेट हैज डिपॉजिटेड थ्रू ऑनलाइन बैंक चलान द मोड। तो फीस नेचुरली फीस जमा करवा के इंस्टीट्यूट को बताना है, फीस जमा होने पर वो आपको एडमिट कैंडिडेट कह देंगे। ऑल दो एवरी केयर हैज़ बिन टेकन टू प्रिपेयर द अलॉटमेंट लेटर इन द एब्सोल्युटली ऑब्जेक्टिव मैनर, एनी टाइपोग्राफिकल एरर क्रिप्ट हियर इन इन एडवेंटली थ्रू एन ओवरसाइट इज डीपली रिग्रेटेड। वो कहते हैं कि वैसे सब कुछ ठीक है, अगर टाइपिंग एरर कोई होती है तो उसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं। सो, इतनी गलती हो सकती है, घबराना नहीं है, ये लाइन डाल दी गई है, एज दिस कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट नो सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड प्रिंटेड ऑन 7th 9th। सो ये आपके पास होगी, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसकी 2 सेट्स फोटोकॉपी अपने और फोटो अपनी जो है तस्वीर वो लेके जानी है।